कहानी से हम लोग सीखेंगे कि कभी कभी अगर हमें कुछ ना मिले तो हमें समझना चाहिए कि वो हमारे लिए सही नहीं था। ईश्वर की योजना हमारी योजना से हमेशा बेहतर ही होती है। लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जो चाहिए, जिसका हम बहुत समय से इंतजार कर रहे होते हैं, वो हमें मिल तो जाता है, लेकिन कुछ ही पल में हमसे वो वापस भी चला जाता है। ऐसी स्थिति में हम ईश्वर को कोसने लगते हैं। हम ईश्वर से कहने लगते हैं कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कुछ समय के लिए हमारा भरोसा ईश्वर पर से उठ जाता है, किंतु कुछ समय के बाद हमें ये एहसास हो जाता है कि जो हुआ वो हमारे लिए अच्छा ही था। ईश्वर की योजना हमसे अच्छी होती है। हमें ये बात समझनी चाहिए कि जो हमारे हाथ से चला गया वो हमारे लिए अच्छा ही नहीं था। ईश्वर ने जो कुछ भी किया वो सोच समझकर ही किया होगा। एक छोटा सा 2 साल का बच्चा खेल रहा था। खेलते खेलते उसके हाथ में चूहे मारने की दवाई आ जाती है। बच्चा नादान था, वो नहीं जानता था कि ये चूहे मारने की दवाई है। वो तो इस दवाई को चॉकलेट समझकर खुश हो रहा था। वो इसे खाने ही वाला था कि उसकी माँ का ध्यान उस पे गया। माँ ने तुरंत बच्चे के हाथ में से वो चूहे मारने की दवाई छीन ली। बच्चा जोर जोर से रोने लगा। बच्चे के रोने के बावजूद भी माँ ने उसकी एक नहीं सुनी और वो दवाई उसने कहीं पे छिपा दी, क्योंकि बच्चा नहीं जानता था कि ये चॉकलेट नहीं चूहे मारने की दवाई है। पर माँ तो जानती थी कि ये चूहे मारने की दवाई है और ये मेरे बेटे के लिए सही नहीं है। बच्चे को कुछ पल खुशी देने के लिए माँ उसे वो दवाई नहीं दे सकती थी, क्योंकि वो उसके लिए हानिकारक थी। वैसे ही जब हमारी ज़िंदगी में हमें कुछ ऐसा मिले जो हमें कुछ पल की खुशी दे और फिर वो वापस चला जाए, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। तभी हमें यही सोचना चाहिए कि हमें जो मिला था वो हमारे लिए अच्छा नहीं था, इस चूहे मारने की दवाई जैसा ही था। जैसा माँ ने बच्चे के हाथ में से इस चूहे मारने की दवाई को ले लिया, वैसे ही ईश्वर ने हमारे हाथ में से वो ले लिया, क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा नहीं था। कभी कभी हमें सही और गलत का फर्क इस नादान बच्चे की तरह पता नहीं चलता है, पर जैसे माँ को तो पता था, वैसे ईश्वर को सब पता होता है। इसलिए हमें ईश्वर की योजना पर भरोसा रख के हमारे साथ जो हुआ वही हमारे लिए बेहतर था, ऐसा सोचना चाहिए। अगर आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज़।